वैश्विक महामारी कोरोना के रोकथाम के लिए तीसरे लॉकडाउन को लागू होने के बाद अस्पताल प्रशासन COVID-19 से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों और उनसे अटैच CHC PHC पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और स्टाफ नर्सों सहित अन्य कर्मचारियों की तैनाती की गई है। साथ ही इससे निपटने के लिए उनकी लगातार ट्रेनिंग कर उनको इसके प्रति कार्य करने के लिए बेहतर सुझाव और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वही इस संबंध में CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि कोविड के तीसरे केस मिलने के बाद अब लगातार 6 दिनों के भीतर अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है, जो काफी संतोषजनक है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि इसके रोकथाम के लिए आम जनमानस से भी अपील कर रहा हूं कि लोग सामाजिक दूरी बनाकर रहे और लॉकडाउन का सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने कहा, COVID-19 से हमारे यहाँ इस समय 3 पॉजिटिव केसेस हैं शुरू से लेकर अब तक, और पिछले 6 दिनों से कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं निकला है। ये तीनों केसेस BRD मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ हैं और वहाँ भर्ती हैं। जो पहला केस था वो और उसके बाद के दोनों, उनके सबके सैंपल्स में पहले वाले केस का सैंपल फिर से पॉजिटिव आया है, इसलिए अब उसका हर 48 घंटे पे सैंपल किया जाएगा और 2 या 3 दिन बाद उसका 14 दिन पूरा हो रहा है। अगर वो नेगेटिव नहीं आता है तो वो वहाँ एडमिशन उसका कंटिन्यू रहेगा। अगर नेगेटिव आता है और सक्सेसिव 24 घंटे वाला फिर सैंपल नेगेटिव आता है तो उसे भी छोड़ दिया जाएगा। कोई नया केस 6 दिनों में ना आना एक संतोष की बात है, पर हम लोग पूरी टीम विजिलेंट हैं कि कोई भी जांच करने से या स्कैनिंग करने से छूटने ना पाए। 100-bed TB हॉस्पिटल जो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ आज भी 23 सस्पेक्ट्स वहाँ भर्ती हैं। कुछ के जांच रिपोर्ट अवेटेड हैं, कुछ की जांच आज गई है। तो इस तरह से जनपद में कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है और तैयारियां पूरी हैं। हमारा 200-bed रेलवे हॉस्पिटल COVID-1 अटैच के रूप में, 100-bed राप्ती नगर स्पोर्ट्स कॉलेज 100-bed अटैच के रूप में, ये तैयारी और है। और अभी अगर इससे भी अधिक पड़ती है तो हमारा 30-bed COVID-1 और 30-bed COVID अटैच सेकेंड जो हमारा पिपरौली डेसिग्नेट किया गया है वो भी तैयार है। और इस तरह से गोरखपुर में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। बराबर रेलवे से आने वाले यात्रियों की राउंड द क्लॉक स्कैनिंग की जा रही है, वहाँ 10 टीमें कार्य कर रही हैं। सभी बॉर्डर्स पर राउंड द क्लॉक 724 स्कैनिंग का कार्य चल रहा है। जो बसें आ रही हैं, जो प्राइवेट वाहन आ रहे हैं, जो अन्य लोग अन्य साधनों से आ रहे हैं, उनका सबका स्कैनिंग किया जा रहा है। यदि कोई बुखार से पीड़ित या सस्पेक्ट पाया जाता है तो हम उसको क्वारंटाइन करके और उसका सैंपल लेते हैं।